हेलो, हेलो वेलकम टू MMES योगा क्लासेस। आज इस योगा क्लास के अंदर हम ब्रेन योगा की बात करेंगे। हमारा जो ब्रेन है, इसमें पांच लोब हैं, जिसको हम प्री फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, टेम्परल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के नाम से जानते हैं। ये हमको पहले से पता है कि हमारा जो ब्रेन है, ये लेफ्ट राइट दो पार्ट में बटा हुआ है। तो अगर इस ब्रेन के पांच लोब को हम दो हिस्से में बांट दें, तो इसका मतलब हमारे ब्रेन के अंदर 10 पार्ट है और हमारे पास ये 10 फिंगर भी है। तो हमारा जो एक फिंगर है, ब्रेन के एक पार्ट को एक्टिवेट करने में हमारा मदद करता है। अब हमारा जो प्री फ्रंटल लोब है, इसको कंट्रोल करता है हमारा अंगूठा, और ऑक्सीपिटल लोब जो पीछे है, इसको हमारा ये जो छोटा वाला फिंगर है, ये गवर्न करता है। अब इस दोनों पार्ट को एक साथ कनेक्ट करके एक्टिवेट करना हो तो हमें कौन सा योगा करना चाहिए? बहुत सिंपल सा योगा है। ये मुट्ठा बंद करते हैं, हाथ को उल्टा करते हैं। अब एक हाथ का छोटा वाला फिंगर और दूसरे हाथ का अंगूठा एक साथ बाहर निकालते हैं, फिर इसको अंदर करते हैं, फिर यही क्रिया दूसरी तरफ करते हैं, फिर इसको अंदर करते हैं, फिर ये क्रिया दूसरी तरफ करते हैं, फिर इसको अंदर करते हैं, फिर दूसरी तरफ। ऐसे ये हमारा योगा चलता है, जिसमें हमारे ब्रेन का ऑक्सीपिटल लोब और प्रीफ्रंटल लोब आपस में इंटर कनेक्ट होके तेजी से काम करना शुरू कर देता है। इसको सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट को कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। 5 मिनट, 5 मिनट में ये दोनों ब्रेन हमारा इंटर कनेक्ट होकर एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा ब्रेन का योगा है, इसमें हम ब्रेन के 10 पार्ट जो अलग अलग हैं, उन सबको आपस में इंटर कनेक्ट करते हैं, और इंटर कनेक्ट करने के बाद उनको एक्टिवेट करते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सिंपल सा योगा है। इसमें हम पहले इस फिंगर को टच करते हैं, सारे फिंगर को आपस में स्पर्श करके गर्मी प्रदान करते हैं, और ये गर्मी ब्रेन को गर्मी देता है, जिससे हमारा ब्रेन पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। तो सबसे पहले इसको हमें कनेक्ट करना है, फिर इसको कनेक्ट करना है, फिर इसको कनेक्ट करना है, फिर इसको कनेक्ट करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ये बारी बारी हमारा फिंगर चलता रहेगा। ऐसे ये कम से कम 2.5 मिनट करना चाहिए, और 2.5 मिनट इसका रिवर्स करना चाहिए। रिवर्स कैसे चलेगा? अब यहां से शुरू करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी 2.5 मिनट करना है। तो इस तरह से हमारे जो ब्रेन के अंदर 10 पार्ट है, वो सब आपस में इंटर कनेक्ट हो जाएंगे और वो मजबूती से कार्य करना शुरू कर देंगे। तीसरा जो हमारा योगा है, वो भी हमारे ब्रेन के सभी पार्ट को एक्टिवेट करता है। अब जिस पार्ट को ज्यादा एक्टिवेट करना है, उस पार्ट को ज्यादा हम एक्शन मिलाते हैं, और जिस पार्ट को कम एक्टिवेट करना है, उसको कम एक्शन मिलाते हैं। ये हमारी मर्जी पर निर्भर है, किस पार्ट के लिए हमको ज्यादा एक्सरसाइज करना है और किस पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए हमको कम एक्सरसाइज करना है। लेकिन सिस्टम यह कहता है कि सारे पार्ट को समान रूप से एक्टिवेट करने के लिए टाइमिंग के हिसाब से सारे योगा समान टाइम करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो ब्रेन है, ये पूरी तरह समान रूप से एक्टिवेट होगा। इसको करने के लिए हमें पहले ये दो फिंगर बाहर निकालना पड़ता है, अंगूठा और छोटा वाला जो लिटिल फिंगर जिसको बोलते हैं, फिर इसको अंदर करके इस तीन को बाहर निकालना होता है, फिर इसको अंदर करके इस दोनों को बाहर निकालना होता है, और ये प्रोसेस लगातार चलेगा 1 मिनट तक।
फिर इसके बाद हमें तीन फिंगर ये निकालना है, फिर तीन ये, 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 ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये कम से कम 2 मिनट करना है। इसके बाद दो दो फिंगर को एक साथ बाहर निकालना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसको भी 2 मिनट करना है। इसके बाद एक एक फिंगर को निकालते हैं, तो 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4, इसको भी हमें कम से कम 2 मिनट करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो ब्रेन के सारे हिस्से हैं वो ज्यादा एक्शन में रहेंगे, ज्यादा क्रियाशील रहेंगे। इसके बाद जो ब्रेन से संबंधित योगा है उसमें हम दोनों पार्ट को फास्ट काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, और ब्रेन के दोनों हिस्से से, जैसे हमारा जो ब्रेन है उसका एक पार्ट एक साथ एक बार काम करता है, दूसरा पार्ट एक बार काम करता है, दोनों हिस्से एक साथ काम नहीं करते हैं। अब दोनों हिस्से से एक साथ काम कराना हो तो हमें इस योगा को करना चाहिए, जिससे हमारा वर्किंग कैपेसिटी डेवलप हो जाए। इसमें हम एक फिंगर को ऐसे घुमाते हैं और एक फिंगर को ऐसे घुमाते हैं, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे। अब इसको हम जितना फास्ट करेंगे उतना हमारा ब्रेन फास्ट होता चला जाएगा, और दोनों पार्ट को एक साथ उपयोग करके हम ज्यादा पावरफुल तरीके से किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं, ऐसे। इसको भी कम से कम 3 मिनट करना चाहिए। इसके बाद इसको रिवर्स करना है। अब ये उल्टा ये सीधा, अब इसको रिवर्स करना है, रिवर्स का दर्द नहीं होगा, और हम अपना वर्किंग कैपेसिटी से डबल कर सकते हैं। दैट्स ऑल।